हार हो जानी होर गल है, ते हार मन लैनी होर गल है। मैं समझ सकदा कि हर वार जित नहीं होंदी, क्योंकि एक दी जित ही दूजे दी हार बन जाती। ये तो बस समझन दी लोड़ है कि जिंदगी च हार भी एक अहम भूमिका निभाउंदी, जिहड़ी सानू जित दी असली कीमत दा एहसास पई करवाउंदी। नाले जित अते हार इस आपने तो चलदी रहना, जे जित दा आनंद माणदे हाँ तां हार दा भी दुख भोगना पैना। हुण मेरे वल्लों तां बस इक्को ही सलाह है, जिते बिना रुक जाना सियाणप तां नहीं हुंदी। नाले जित तक हार दा सवाल है, जब तक आपां हार आप ना मनीए उदों तक तां कदे हार भी नहीं हुंदी। वीडियो शुरू करन तों पहलां बस एक मिनट दी गल, आ अपना स्केड्यूल है भावें दा स्क्रीन शॉट रह के रख लियो तुसीं। सोमवार ते बुध मंगलवार आपां प्लस वन अकाउंटेंसी कराने आ शामी सही 5 बजे, बिल्कुल सही। बुधवार नूं 10th इकनोमिक्स पंजाब बोर्ड वाले वास्ते, ते वीरवार नूं 10th इकनोमिक्स CBSE वाले वास्ते, शुक्रवार शनिवार 10वीं दा मैथ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह, ते तुसी देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। अज आपां गल करन लगे हां अकाउंटेंसी कंटिन्यू कर रहे हां, सोमवार है, शाम दे 5 बजे ने। अज पिछले हफ्ते बड़ा वैसे प्रॉब्लम आई, काफ़ी वीडियोस लेट हो गई, 6 बजे 7 बजे, एक बार तो आई थिंक 9 बजे भी पाई सी। कई बार टेक्निकल इशूज हो जाते हैं, कई बार कुछ, चलो कोई गल नहीं, पर मेरी कोशिश होंगी है कि हर रोज़ तुहानू शाम नू 5 बजे वीडियोस मिल जाए, बाकी रब की मर्जी। तो अज आप कंटिन्यू कर लगे 11th क्लास अकाउंटेंसी चो। एक खास गल, आप पहला चैप्टर कर चुके हैं, पिछले 4 वीडियोस बन चुकी ने, तुसी ओ नीचे मेरे चैनल दे उत्ते जाके सबसक्राइब करके प्लेलिस्ट खोल लियो, 4 वीडियोस तुहानू क्लास 11th अकाउंटेंसी विचों मिल जाएंगे। अगे आप कंटिन्यू कर लगे हैं चैप्टर 2 है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। देखो अकाउंटेंसी तुसी सीख रहे हो, सबजैक्ट है अकाउंटेंसी, तो उदे विच जिहड़ियां टर्म्स आणगियां, मतलब कुछ ऐसे शब्द आणगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होणगे जिहड़े तुसी कदे सुने नहीं हुए, सच्ची मुची नहीं सुने हुए। तो इस चैप्टर दे विच काफ़ी हद तक उस सारे वर्ड्स पहले क्लीयर कराए जाएंगे, फिर आप आगे बहुत सारी गल्लां सीखनियां ने। तो सब तो पहला वर्ड देखो क्या है, पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप पहला सिंपल एज अ लेमैन देसी लैंग्वेज बात करिए, की हिसाब है, मैं कोई समान खरीदता पाया, मैं कोई समान बेचता पाया। सपोज करो मेरे को फर्म है मेरी, ठीक है, मैं काम कर रहा, मेरा बिजनेस है, मैं बहुत कुछ खरीद रहा, मैं बहुत कुछ बेच रहा, मैं बिजली का बिल भर रहा, ठीक है जी, मैं अपने इंप्लॉइज सैलरी दे रहा, मैं बहुत सारे खर्चे भी कर रहा, तो मैं कमाई भी कर रहा। ये सारिया जी गलां ने गौर करो तो तुम देखोगे कि इन सारिया गलों एक चीज़ बड़ी कॉमन है, गैस कर सकते हो कि पैसा, मनी। बस यही चीज़ समझने वाली है, वो इवेंट्स जिन्हां विच पैसा इनकलूड होंदा उन्होंने बोलते हैं आप इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है जी, या उन्होंने आप कह दें फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी क्रियावां हुई ने, ऐसा डीलिंग्स हुई ने जिदे विच पैसा इनवॉल्व हैगा, पैसा इनवॉल्व है, तो उसनों आप बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हुण बुक ऑफ लैंग्वेज देखियो, इट मीनस अ फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनैंशियल मतलब वित्ती, पैसे ना रिलेटिड हो, जो विच इज़ रिलेटिड टू अवर फाइनांस, या इकोनॉमिक इवेंट जिदे नाल ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनैंशियल पोजिशन। सोच के देखो यार, जो तुसी कुछ खरीदते हो, जो तुसी कुछ बेचते हो, तुसी कोई पेमेंट की, तुहानू कोई पेमेंट मिल गई, वो सारे काम करके क्या होंदा है, कदे तुहाडे कोल पैसे घटते हैं, कदे वधदे ने, कदे कुछ कदे कुछ, यही कुछ होंदा रहिंदा। तो फाइनैंशियल पोजिशन जो तुहाडी चेंज आता सीधी गल है, वह पॉजिटिव है नैगेटिव है, चीज़ा घट रही ने वध रही ने, वो डिपेंड करता टाइम पर। अगे एक एग्जाम्पल लिखी सी मैं नाल दिन की, सेल्स होगी, परचेज होगी, पेमेंट्स हो गई, रिसीट्स हो गई, वो सारा कुछ। अकाउंट, अकाउंट, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो,
तो अकाउंट तो समझना जरूरी है। देखो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, तुसी पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, उहदे विच सीख रहे हो और अकाउंटिंग प्रोसैस सीख रहे हो, तो उहदे विच सीखन लग्या कुछ तुसी जिहड़ा प्रैक्टिकल वर्क करोगे, तुसी मेनली आ चीज़ करोगे, तुसी अकाउंट्स बनाने सीखोगे। अकाउंट्स अगर पंजाबी लगाइए तो मतलब होंगे लेखा जोखा, किस तो किन्ना लेना है तो किस तो किन्ना देना है, आही कुछ होंगे अकाउंट होर की होंगे। तो हम देखियो इट इज़ अ रिकॉर्ड, उपर ट्रांजैक्शन हुई है ना, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्डिंग करते होंगे, तो रिकॉर्डिंग आप जी करते होंगे एक पर्टिकुलर हैड दे अंडर करते होंगे। जिमें सपोज करो मेरा दोस्त हितेश मेरे तो वह 5,000 का समान लै गया, तो मैं अपनी किताबों के हितेश का नाम लिख के फिर नीचे लिखूंगा भी हाँ भी वह मेरे तो समान लैके गया 5,000 का। एवं अगर मैंने बिजली का बिल भरया तो मैं बिजली के बिल इलैक्ट्रिसिटी चार्जिज के नाम से भी अकाउंट खोलूँगा, तो मैं नीचे लिखूँगा कि मैंने पेमेंट की है, मैं सैलरी दीती है अपने इंपलॉइज़ को, मैं उहदा भी एक अकाउंट बनाऊंगा तो नीचे लिखूंगा उहदे विच कि मैं सैलरी इन्नी तरीक नूं दित्ती है। गल बस इन्नी क है जिहड़ी भी तुसीं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करदे हो बाकायदा किसी ना किसी हैड किसी ना किसी नाम दे नीचे वह होंदी है, ठीक है जी। तो जिहड़ी उह रिकॉर्डिंग वाला जिहड़ा हिसाब किताब हुंदा है जिहड़ा आपां रिकॉर्ड करदे हाँ प्रोपर एक बॉक्स जिहा हुंदा तुहानूं बाद सिखावांगे, उह उसनूं आपां अकाउंट बोलदे हाँ जी, ठीक है। खास गल की है अकाउंट दे विच मैं जिवें तुहानूं किहा हितेश मेरे तो पैसे लैके हितेश मेरे तो समान लैके गया उधारा 5,000 दा, तो मैं रिकॉर्ड किया। गल ये है इट नोट ओनली शोज़ द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपां सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ ये नहीं रिकॉर्ड करते, इस तो इलावा दो चीज़ा होर ने इफेक्ट उसका। इफेक्ट उसका यह है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो मेरे को समान चला गया कि मेरे को समान आ गया, मेरे को पैसे चले गए कि मेरे को पैसे आ गए। सोच के देखो यार, जो हितेश मेरे को समान लेके गया तो ओबियसली मेरी दुकान चो समान घट गया, गल ठीक है ना, मेरी दुकान चो समान घट गया। आपां यह भी रिकॉर्ड करांगे एक तो हितेश समान लेके गया, दूजा मेरी इस दुकान तो समान घट गया क्योंकि वह लै गया, दोनों चीज़ा रिकॉर्ड होंदियाँ। लास्ट वीडियो में आप सीखा सी डबल एंट्री सिस्टम जिहड़ा सीगा, वो यही चीज़ है कि आप एक ट्रांजैक्शन दे दोनों पार्ट रिकॉर्ड करते होंगे तो वो इस होंगे। यही है कि मतलब आया है कि गया है जो भी उसकी डायरेक्शन है जी, सिंपल जी गल। अगे कैपिटल, सिंपल तो प्यारा जहा वर्ड है, अमाउंट इनवैसटड इन द एंटरप्राइज, दुकान च इनवैसट किए पैसे, बिजनेस पैसे इनवैसट किए हैं, फर्म च पैसे इनवैसट किए हैं, एक तो होर की आवाज बड़ी आँगी चलो कोई गल। देखो आई थिंक तुम 10वीं क्लास पढ़िया होना कैपिटल की होंगी है, पंजाबी मैं दस दिना पूंजी बोलते हैं। कैपिटल मतलब मैं अपने एंटरप्राइज बिजनेस अपनी फर्म के पैसा लाया, क्यों लाया मैंने पैसा, ताकि मैं उसको एक्सपेंड कर सकूं, ताकि मैं उस तो बढ़िया तरीके ना काम ले सकूं, ठीक है। बाय द प्रोपराइटर इज कॉल्ड कैपिटल, प्रोपराइटर कौन है, सीधी जी गल दसा मालक जिन्हें तुम कहने ओनर, ठीक है जी। जो अमाउंट इनवैसट की जाती है फर्म के मालक द्वारा तो उसको बोलते हैं कैपिटल। हाँ एक चीज़ होर है, वह पैसा भी इनवैसट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है। एसेट की होंगे ने, वैसे तेन अगे आना सगा पर मैं तेन समझा देव, एसेट क्या ने, सपोज करो किसी ने किसी जिस लगा लो मैंने दुकान ही खोलनी है, अगर जो मैं दुकान खोलूँगा तो मैं अपने बैंक में जो पैसे सपोज करो 5,000-10,00,000 पे है वह अपना कैश दुकान के पाऊँगा ताकि मैं होर समान खरीद सकाँ। या ये कह लो एक चीज़ होर भी है, साढ़े घर के नाल साडा थोड़ा जा प्लाट खाली पे, ठीक है साड़ा प्लाट खाली पे है तो मैं ये सोच रहा कि बिजनेस करने वास्ते मैं वो प्लाट यूज़ कर लवा, ठीक है। जो मैं अपनी जमीन बिजनेस में दे दी वो भी इनवैसटमेंट एक तरीके की, वो भी मैं कहां भी कैपिटल दिती है मैंने, ठीक है। मालक चाहे पैसे दे चाहे समान दे उसमें बोलेंगे अपना कैपिटल,
एक मैं तो जगह छड़ी सी सिर्फ निकी जी एक चीज़ समझाने वास्ते। गल समझियो तुहाडे कोल ना तुहानू इक गल समझाई जाएगी कि तुहाडे नू जिहड़ा बिजनेस है ना थोड़ा जिहा इदां दा है। एक हैगी सोल प्रोपराइटरशिप है, ठीक है, एक हैगी पार्टनरशिप, एक हैगी कंपनी, दो होर भी ने थोड़ी बिजनेस स्टडीज भी तुसी चज नाल पढ़ोगे, दो होर ने एक HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हैगी है जी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर आपां उहदे बारे हाले फिलहाल नहीं गल कर रहे, मैं फिलहाल सिर्फ दो बारे गल कर रहे आ तीन बारे क्योंकि ये मोटे तकड़े सीगे जिहड़े समझण वाले ने। सोल प्रोपराइटर हुंदा जदों इकला इक मालक है, सिंपल जी गल। पार्टनरशिप हुंदा जदों मैं एक तो ज़्यादा बंदे, ओबियस है दो बंदे असीं मिल के काम कर रहे हैं, चार बंदे असीं मिल के काम कर रहे हैं, वह पार्टनरशिप है। कंपनी दे क्या, कंपनी तुहानूं पता ही है उहदे विच थोड़ा सिस्टम होर हुंदा है, डिटेल मैं तुहानूं नहीं दस सकदा, बट इन्हां दोहां नाल डिफरेंट हुंदी है कंपनी। कंपनी दे विच इह हुंदा है कि कंपनी दे शेयरस हुंदे ने, कंपनी दी जिहड़ी मलकीयत है वह बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टुटी भी होंदी है ज़्यादातर, तो जिहड़े उहदे मालक हुंदे ने उन्हां नूं शेयर होल्डरस कहा जाता, तो तिन्हां दा अपना अपना हिसाब किताब है। गल समझण वाली बस यह है कि जदों पैसा इस सोल प्रोपराइटर च लगता, कैपिटल लाने वाला प्रोपराइटर कहाँ, ठीक है, मैं सिर्फ आ समझा रहा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, इतने प्रोपराइटर लाऊंगा मालक, इतने पार्टनर्स लाने ने, सारी पार्टनर लाने ने, नॉर्मली पार्टनर लाने ने, उत्थे क्या होंदा है शेयर होल्डर्स होंदे ने। मैं सोचा तुहानूं वर्ड दस देवां ताकि फिर मन नूं शांति रहिंदी जे कोई वजह सिखण नूं मिल जांदा। ड्रॉइंग्स एक बड़ा प्यारा जिहा वर्ड है, बड़ा समझण दी कोशिश करियो। देखो जदों मालक, सपोज करो दुकानदार है जिहड़ा हैगा, ग्रोसरी स्टोर है, करियाने दी दुकान है, तो उहदे सामने उहदी वाइफ आवे, वो कहे जी मैं आटे थैली चक्के लैके जा रही हाँ, वो कहना ले जा। फिर हुण तुसीं ये दसो जरा क उहदी घर वाली तो पैसे मंगूगा, ओबियस है पैसे तो मंगने चाहिए नहीं है क्योंकि उहदी घर वाली है। गल इन्नी क्या जी, पर बिजनेस जिहड़ा है इस चीज़ की रिकॉर्डिंग जरूर करेगा। मैं तुहानूं कहा देखो आपां बिजनेस ट्रांजैक्शन ये मानते हैं ना कि जिन्हें भी पैसे नाल रिलेटिड इवेंट्स होए ने, समान थोड़ा चला गया उत्थों दी, एक तरीके नाल ये समझ लो समान कितने तक गया है ना, ऐ तो नहीं भी गायब हो गया, कितने तक गया हो तुहाडी दुकान दे विचों चला गया हो, तुहाडा एक तरीके नाल ये मान लो भी नुकसान हो गया जिते पैसे नहीं मिले, जो भी चीज़ है उसनों आपां रिकॉर्ड जरूर करांगे। बस मैं दस रहा चाहे वह मालक नाल रिलेटिड ही क्यों ना हो, अगर मालक अपने परसनल यूज वास्ते बिजनेस के गले विचों गोलक चो ला लो जिहड़ा उत्थे गला हुंदा जिहदे च पैसे संभाल रखे हुंदे ने उन्होंने, उहदे विचों पैसे कढ़ा के लैके जांदा है, पैसे कढ़ के लैके जांदा है, चाहे वह पैसे लैके जाए चाहे अपनी दुकान चो समान चक के लै जाए, उसनों बोलते हैं ड्रॉइंग्स। याद रखना बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। गल यह है कि आप रिकॉर्डिंग करते हाँ, बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं। देखो बिजनेस के खर्चे अड्ड ने, तो मालक के परसनल खर्चे अड्ड ने, आप कदे भी मिक्स नहीं करते, आप मन के चलते हाँ कि बिजनेस साडा तो मालक अड्ड है। देखो मालक के अपने परसनल खर्चे होणगे ते बिजनेस के भी खर्चे हैगे ने, मिक्स नहीं करते आप कदे भी, ठीक है, उहदी आपदी जिंदगी है ते बिजनेस की अपनी जिंदगी है, ये समझ लो। अगली गल यह है कि अपने परसनल यूज वास्ते चाहे समान कढ़ा के लै जाए चाहे पैसे लेके जाए, कौन लेके जाए, प्रोपर राइटर ते पार्टनर परसनल यूज वास्ते, उसनों बोलते हैं ड्रॉइंग। हुंदा की है ड्रॉइंग दे नाल, आपां पिछे पढ़िया हुण भी कैपिटल आंदा, मालक कैपिटल इनवैसट करता। सपोज करो माड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो, अगर मैंने 10 लाख लाया सीगा अपनी दुकान च, तो मैं पैसे की लोड़ पी, मैं 2 लाख रुपया कढ़वा के लै गया अपनी दुकान के विचों ही, उत्थे कितना रह गया 8 लाख, तो यह मन जाऊगा कि मेरे पैसे मालिक के पैसे दुकान के हूँ वो सिर्फ 8 लाख रुपया, 10 नहीं है 8 ने, क्यों, कैपिटल के ड्रॉइंग्स आप डिडक्ट कर लें, रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। अगे लाइबिलिटीज,
ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਧਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਓਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਓ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵਰਡ ਓ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਓ ਡਬਲਯੂ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਨੇ। ਓਡ ਬਾਏ ਦਾ ਬਿਜਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਨਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਅਗਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਉਧਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਜਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਉਧਾਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਆਪਾਂ ਉਧਾਰਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਮੋੜੇ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਲਕ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਮਾਨ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਇਨ 3 ਮੰਥਸ 4 ਮੰਥਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ 6 ਮੰਥਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦੀ, ਚੱਲ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਦੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੇਏਬਲ ਵਿਦਇਨ 12 ਮੰਥਸ, ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-5, 10-20 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੇਏਬਲ ਆਫਟਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 12 ਮੰਥਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਲੋਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।